लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को भोपाल में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब इसे लेकर उनके व पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धारा 341, 188, 143, 269 व 270 के तहत मुद्दा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह व अन्य कांग्रेस पार्टी नेताओं ने सड़क पर उतरकर बड़ी कीमतों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करवाया। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अन्य कांग्रेस पार्टी नेताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर अपना विरोध जताते हुए रोशनपुरा चौराहे से सीएम आवास तक साइकिल पर मार्च निकाला। दिग्विजय ने बोला कि आज जब जनता कोरोना के संकट में त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं व केंद्र सरकार ने लगातार 18वें दिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जैसा पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में मौका है पैसा कमाने के लिए। बताते चलें कि गुरुवार को देश में लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल की मूल्य में बढ़ोतरी हुई। ऑयल विपणन कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की। यहां देखने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली में डीजल की मूल्य पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। पिछले 19 दिनों में डीजल की मूल्य कुल 10.63 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है व पेट्रोल 8.66 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है।